चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी नजम सीटी ने कहा कि मोहम्मद आमिर ने खुद रिटायरमेंट का ऐलान किया, वो रिटायर हैं। अगर वो रिटायरमेंट से बाहर आना चाहते हैं तो आएं और खेलें। तफसीलात के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब देते हुए नजम सीटी ने कहा कि स्पॉट फिक्सिंग से मुतालिक मैंने सख्त मौकिफ इख्तियार किया था, लेकिन मुझसे पहले और बाद में आने वालों ने ऐसा मौकिफ इख्तियार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा मौकिफ था कि एक तो माफ नहीं करना, लेकिन अगर आप सजा पूरी कर लें तो अगर आपको मुंतखब किया जा सके तो आपका हक है कि आप आकर खेलें। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का कहना था कि जब मैं गया था तो उस वक्त एक खिलाड़ी की पेनल्टी चल रही थी, इसे हमारे दौर में ये सजा सुनाई गई थी। जब मैं चला गया तो उसकी पेनल्टी कबल अज वक्त खत्म करवा दी गई और उसे खिलाना शुरू कर दिया गया। नजम सिटी का ये भी कहना था कि जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरे जहन में है कि सजा पूरी होनी चाहिए, अगर सजा पूरी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। मोहम्मद आमिर से मुतालिक बात करते हुए नजम सिटी ने कहा कि आमिर रिटायर हैं, अगर वो रिटायरमेंट से बाहर आना चाहते हैं तो आएं खेलें। पीसीबी और डोमेस्टिक क्रिकेट के कानून के मुताबिक टीम के लिए मुंतखब किए जाएं तो खेलें, अगर सिलेक्शन नहीं होती तो नहीं खेल सकते। दोस्तों, आगे मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी।